आज हम बात करेंगे गाड़ी पे लिखा हुआ VIN नंबर क्या है। दूसरा पॉइंट, VIN नंबर कहाँ होता है। तीसरा पॉइंट, VIN नंबर का क्या काम है मैकेनिक भाई और इलेक्ट्रिशियन भाई लोगों के लिए। तो चलिए सबसे पहले VIN नंबर का जान लेते हैं कि ये क्या है। VIN नंबर यानी कि व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो गाड़ी के बारे में इस नंबर से पूरी जानकारी A to Z निकाली जा सकती है और या मिलता है हमें, उससे व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। जैसे इस नंबर से हमें गाड़ी की मॉडल, गाड़ी की मैन्युफैक्चर, गाड़ी की कलर, गाड़ी की इंजन, गाड़ी के नाम, ये टोटली चीज़ और गाड़ी कहाँ की है, कब बनी है, टोटली चीज़ की जो जानकारी हम VIN नंबर से सर्च करके जान सकते हैं एक स्कैनर के थ्रू। दूसरा चीज़, VIN नंबर कहाँ होता है। VIN नंबर यह फ्रंट जो बोनट होता है, बोनट के साइड में भी लिखा होता है, और दूसरा आपके दरवाजे यानी कि लेफ्ट राइट जो फ्रंट डोर होते हैं, लेफ्ट राइट वहाँ पे भी लिखा होता है साइड में, वहाँ से भी VIN नंबर जान सकते हैं। तीसरा, आपको सीट के नीचे यानी कि फ्रंट ड्राइवर साइड के सीट के नीचे और कितना गाड़ियों में आपको लेफ्ट साइड यानी कि फ्रंट लेफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे के साइड मैट के साइड में, वहाँ पर आपको VIN नंबर रहता है। और तीसरा पॉइंट बात कर लेते हैं, VIN नंबर का क्या काम है मैकेनिक भाई और इलेक्ट्रिशियन भाई के लिए। गाड़ी में अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ जाती है और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के सही करने के लिए हमें स्कैनर लगाना पड़ता है और हमें जानना पड़ता है कि ये दिक्कत कहाँ से है। उसी चीज़ को जब हम स्कैनर लगाते हैं तो उस टाइम हमें VIN नंबर की ज़रूरी होता है। अगर स्कैनर ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं करता है, सर्च नहीं करता है, तो हमें VIN नंबर से ढूंढना पड़ता है और ढूंढ करके एंटर करना पड़ता है, जिससे हमें गाड़ी के बारे में जो भी दिक्कत है या जो भी प्रॉब्लम थी उस चीज़ का रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है। और VIN नंबर मैकेनिक और इलेक्ट्रिशियन भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पता होना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।